Hello guys, welcome to GSI Learning. Do subscribe GSI Learning for understanding your syllabus interestingly with fun along with deep knowledge. Subscribe के संग संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे वीडियो को, स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स के संग जो अकाउंट्स को बहुत हार्ड टफ समझते हैं. उन्हें पता चले अकाउंट सीखने में भी एक बहुत मजा है, समझ में आता है और इंटरेस्ट और ज्यादा क्यूरियोसिटी इसमें बढ़ती है. चलिए तो क्यूरियोसिटी के संग ही आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स का टॉपिक लेंगे फॉर क्लास 12. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. भाई पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें उसका मीनिंग तो समझ में आए, पार्टनरशिप है क्या. फोर पॉइंट्स में आपको क्लियर करूंगी, आप फोर पॉइंट्स पे फोकस करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बिजनेस रिलेशनशिप फर्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस सेकेंड पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल थर्ड पॉइंट, एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल फोर्थ पॉइंट. देखिए जरा, अगर ए बी सी डी ई, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये पांच लोग हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब ये पांच हैं यानी एक से ज्यादा तो बन गई पार्टनरशिप, भाई ग्रुप हो गया. तो ये इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस रिलेशन हो गया. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस चलाएंगे मेहनत करेंगे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे शेयर करेंगे बांटेंगे आपस में. कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस चलाने का मतलब ही क्या है, कैरी करना उसको रन आउट करना तो सब लोग करेंगे. और या अगर इनमें से कहते हैं एबीसीडी कहते हैं हम इन्वेस्ट तो अच्छा कर देंगे लेकिन हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, ई ने जिम्मेदारी ली कि मैं कर दूंगा आपकी तरफ से, काम ही तो है क्या दिक्कत है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं काम कर देता हूं. तो एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, तो आप सबके बिहाफ पे यानी एबीसीडी के बिहाफ पे ई कहता है कि मैं कर दूंगा. बन गया टॉपिक, समझ में आ गया पार्टनरशिप. अब देखिए अगर ये चार पॉइंट क्लियर हैं तो डेफिनेशन अपने आप बन गई. पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, कैसा रिलेशन, बिजनेस रिलेशन. अब यहां वर्ड बिजनेस नहीं आया लेकिन देखो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, वो रिलेशन जिसमें हमने प्रॉफिट शेयर करने की बात करी है. प्रॉफिट शेयर करेंगे तो कैसा व्यवसाय की तो संबंध होगा, ब्लड रिलेशन में ये थोड़ी कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे तो हमें रिटर्न में इतना शेयर चाहिए, तो बिजनेस रिलेशन हो गया. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सब लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं और अगर कोई ऐसी जेनरोसिटी बनती है तो कोई एक भी उनके बिहाफ पे कर सकता है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है. पार्टनरशिप समझ ली हमने, अब ये फर्म कहाँ लेनी है, कहाँ पार्टनर लेना है. तो भाई देखिए आपके हैंड में फिंगर्स हैं, ठीक है, सेपरेटली तो ये फिंगर्स हो गई, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर फोर्थ फिंगर, फाइन. अब मैं इसको अगर सबको मिला दूं तो ये आपकी कलेक्टिव पावर बन गई. ऐसे ही इंडिविजुअली जो एज अ पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, एज अ पर्सन ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को, ए बी सी डी ई जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अलग अलग तो क्या है, पार्टनर्स हैं. और इनको मिला दीजिए बिजनेस तो तभी बना, तो बन गई पार्टनरशिप फर्म, या जिसको हम फर्म भी कह देते हैं, तो उसका कोई नाम रखा जाएगा, उस नाम से ही बिजनेस चलेगा. क्यों, क्योंकि हम मिलके चला रहे हैं तो बिजनेस विल ऑपरेट विद द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब आते हैं जरा इसके नेचर पर. नेचर ऑफ द पार्टनरशिप समझना है तो दो पॉइंट पे फोकस करेंगे, एक अकाउंटिंग और एक लीगल व्यू पॉइंट. अकाउंटिंग समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ. मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं, ए सपोज सन है और बी फादर है. ए के पास पिगी बैंक है और बी जो फादर है ए के उनके पास वॉलेट है, ठीक है. ए ने बी से यानी बेटे ने फादर से अपने फादर से 5000 रुपीज लिए, क्या होगा अब आप देखेंगे. तो बेटा कहेगा यानी ए कहेगा मेरा पिगी बैंक 5000 से भर गया, अगर जीरो था तो अब उसमें 5000 आ गए. और फादर जो बी है वो क्या कहेंगे, मेरा वॉलेट 5000 से कम हो गया. तो दोनों में आप देख रहे हैं दोनों पर्सन अलग अलग सिचुएशन में आ गए, एक का बैलेंस ऊपर गया एक का बैलेंस नीचे आया, हो गई अकाउंटिंग. तो क्या देखा हमने, रिलेशन होते हुए भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट तो दोनों के अलग हो गए, एक का बढ़ा एक का घटा बैलेंस. तो वही चीज यहां आ जाइए, बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट से अलग है पार्टनर से. क्यों भाई, एग्जाम्पल अगर पार्टनर जब कैपिटल देते हैं तो बिजनेस के पास पैसा बढ़ता है लेकिन पार्टनर के पास उतनी कैपिटल यानी कैपिटल देने के कारण उतना अमाउंट कम हो जाता है, हो गया एस्पेक्ट. तो यानी बिजनेस के पॉइंट से ही हमें अकाउंटिंग करनी है,
पार्टनर के एस्पेक्ट से नहीं करनी है, हम बिजनेस को लेके चलेंगे। जो बिजनेस के लिए खर्चा है उसको एक्सपेंस लेंगे और जो बिजनेस के लिए इनकम है वो इनकम की तरह ट्रीट होगी। नेक्स्ट आता है लीगल एस्पेक्ट। सेम एग्जांपल पे रिपीट होते हैं, ए और बी जो कि सन और फादर थे, आपस में इनका लीगल रिलेशन है। मान लीजिए सी कोई आउटसाइडर है, उसने बी से कहा या ए को वो पिटाई करने लगा, उसने बी से कहा कि ये ए बहुत ही ज्यादा नालायक है, भाई कुछ क्या है, कमीज नहीं सिखाई है। फादर क्या करेगा, गुस्से में पहले सी से कहेगा क्या मतलब तुम्हें, मेरा बेटा है। तो क्या कह रहे हैं हम इसमें ये कह रहे हैं कि हम आपस में एक हैं। सेम एस्पेक्ट, तो लीगली बिजनेस खोला ही किसने है, पार्टनर्स ने। तो जिस भी काम से बिजनेस बाउंड है यानी जो बिजनेस की लाइबिलिटीज हो गई वो पार्टनर उन कामों से बंध गया। फाइन, तो लीगल एस्पेक्ट में दोनों को एक माना गया है और अकाउंटिंग में दोनों सेपरेट है। अब हम आते हैं इनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनर्स के। फीचर्स अगर हम देखें तो पहले नंबर ऑफ पर्सन ले लेते हैं, भाई पार्टनर है तो एक से तो ज्यादा ही होंगे, तो मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम कितने लिमिट है 50 की। सब कोई भी पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट 3 टाइप ऑफ पीपल, कौन कौन से। पहला है माइनर। माइनर कौन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो माइनर की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है, बेनिफिट्स के लिए हो सकता है लेकिन वैसे आप समझिए पार्टनर नहीं हो सकता, वो लॉ का कॉन्सेप्ट है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली साउंड नहीं है यानी जो डिसीजन इफेक्टिवली नहीं ले पाता, समझदारी से नहीं ले पाता, सही तरीके से नहीं ले पाता, पार्टनर क्या करेगा भैया बनके। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर लॉ में उसको प्रोहिबिट कर दिया, उसको मना कर दिया है, क्यों, क्योंकि उस किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया था और वो क्राइम ऐसा था जिसके कारण लॉ ने उसको प्रोहिबिट कर दिया कि आप एक फ्यू इयर्स कह दीजिए या लाइफ टाइम, जैसी भी सिचुएशन थी कि आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे या आप किसी बिजनेस डीलिंग में नहीं जा सकते, तो पार्टनरशिप में वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट इज क्लियर टू यू। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं एग्रीमेंट। भाई एक से ज्यादा लोग हैं तो आपस में कोई सहमति तो जतानी पड़ेगी, बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ओरल कर लीजिए, जो प्रैक्टिकली होती नहीं है। रिटन मतलब एज अ प्रूफ हो गया। तो जिस डॉक्यूमेंट में हम ये एग्रीमेंट को इन राइटिंग शो करते हैं वो आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। होप सो ड्रॉपिंग्स की है। आगे चलते हैं लॉफुल बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी को अच्छा ही तो दोगे, खराब थोड़े ना दोगे। तो यानी कोई लीगल काम के लिए बिजनेस करेंगे, किसी का मर्डर करना है, स्मगलिंग करनी है, ऐसा काम लॉ अलाउ नहीं करता, तो आप लीगल वर्क के लिए बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अभी हमने ऊपर बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग, हमने आपसे आपने देखा होगा जब भी आप कोई नया बिजनेस डालेंगे हम क्या सोच के करते हैं, मेरा बिजनेस खूब ग्रो करेगा, प्रॉफिट होगा, इस साल इतना तो अगले साल इससे दुगना, ये तो नहीं कहते इस साल हमें लॉस हो जाएगा, कभी नहीं सोचते। क्या कहते हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं, शुभ सोचो, अच्छा सोचो, तो लॉस हम इसलिए नहीं कहते, हम कहते हैं प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन प्रॉफिट तो हम शेयर करेंगे क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। लॉस मान लीजिए किसी कारणवश अनएक्सपेक्टेडली सही लेकिन लॉस हो गया, तो वो भी आपस में इन्हें झेलना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में ऐसा है कि कोई एक पार्टनर को आपने अलाउ कर दिया, ठीक है भैया तुम लॉस को मत झेलना क्योंकि तुम मेहनत बहुत कर रहे हो या तुमने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करा है, तो वो हो सकता है लेकिन सबकी सहमति से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सब लोग मिलकर भी कर सकते हैं और कोई एक भी कर सकता है उनके बिहाफ पे, जो अभी हमने आपको पीछे समझाया था मीनिंग समझाते समय। क्यों, क्योंकि हर एक पार्टनर एजेंट है दूसरे पार्टनरों का और हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है दूसरे पार्टनरों का। एजेंट से सारे पार्टनर बाउंड हो गए। एजेंट आपने किसी को मान लिया तो यानी आपने कहा है उसे काम करने के लिए, तो उसके काम से आप बंध गए। आप प्रिंसिपल है तो यानी बाकी के लोग क्या हो गए, आपके एजेंट हो गए। मालिक हो आप तो एजेंट तो आपकी बात मानेंगे। तो एजेंट प्रिंसिपल से बाउंड होता है और प्रिंसिपल एजेंट से, तो दोनों इस एस्पेक्ट में आ जाते हैं। अगर एक पार्टनर एजेंट है तो रिमेनिंग प्रिंसिपल हो गए और साथ और एक प्रिंसिपल है तो रिमेनिंग एजेंट, यानी कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, लेकिन उससे सब लोग बाउंड हो जाएंगे। होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू विद पार्टनरशिप डील। गो थ्रू द वीडियो एंड try to understand it again so that the further the chapter becomes clear to you. Thank you.